नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर रितेश और आप देख रहे हैं मिस्टर रितेश व्लॉग चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपने दिल की बात बताने जा रहा हूं क्योंकि मैं 5 दिन हो गया हूं एक लड़का अपनी मां का टेस्ट कराने के लिए सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल राजनांदगांव में आया हुआ है, लेकिन 5 दिन हो गया हम लोग का इलाज बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तरस गए हैं। दोस्तों आप लोग को मैं ये बता दूँ कि ज़िंदगी शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, लेकिन कोशिश करना कि ख़त्म हॉस्पिटल में ना। दोस्त सारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है पैसे कमाने कमाते कमाते, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल में आके कैसे पैसा ख़त्म होता है चंद घंटों में चंद मिनटों में पता ही नहीं चलता। दोस्तों उसी तरह हम लोग यहाँ आए हैं, सरकारी हॉस्पिटल में पैसा तो नहीं लगता ये सबको पता है, लेकिन यहाँ के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कुछ पैसा लेते हैं गरीबों से। जैसे कुछ काम को 2 दिन होता है उसको हम 1 दिन में कर देंगे ऐसा बोलते हैं, जबकि वो काम 1 ही दिन में होता है और पैसे लेने की कोशिश करता है। उसी तरह मेरे को एक आयुष्मान वाला लड़का मेरे से 1500 रुपये लेने की कोशिश किया, जबकि यहाँ 5 दिन हो गया है मेरे को 1 रुपया नहीं लगा है। उसके बाद भी एक आयुष्मान वाला लड़का, आयुष्मान वाला जिसमें आयुष्मान कार्ड से 5 लाख की छूट देता है, उसमें मेरे को 1500 रुपये लेने की कोशिश की थी, पर मैं एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ तो मैं 1500 रुपये देने से कतराता हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार में हम जानते हैं। दोस्तों आप लोग को भी अपना अधिकार जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बड़े अस्पताल में आते हो सरकारी छत्तीसगढ़ के कोई भी कोने में हो वहाँ एक भी पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग कोशिश करना कि ऐसे हॉस्पिटल में 1 रुपये देना मत, क्योंकि हम यहाँ आए थे और कैसे ऐसे बहुत सी सारे कर्मचारी हैं जो पैसा लेने के लिए कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप लोग 1 रुपये मत देना, क्योंकि यहाँ मेरे को पैसा लिया जा रहा है। दो चार कर्मचारी ऐसे हैं जो पैसा मांगते हैं तब जल्दी इलाज कर देंगे ऐसा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नए स्टूडियो में। तो यहाँ मैं 5 दिन से आया हूँ, मेरी माँ का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में आते हो तो 1 दिन का काम 4 दिन में होता है ऐसा बता दूँ। प्राइवेट में क्यों जल्दी सो जाता है, क्योंकि वहाँ पैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लगता। एक बहुत बड़ा डॉक्टर ये समझता है कि हमें भगवान है जी, लेकिन भाई एक को अच्छे से देखो जी, ऐसा नहीं है भाई, किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो। मैं 5 दिन हो गया देखते देखते, तो आप लोग देख सकते हैं ये सरकारी कितना बड़ा है, और यहाँ बोलते स्वच्छता की बात करो तो बहुत अच्छी है, और इलाज की बात करो तो मैं 5 दिन हो गया है, पेट की परेशानी है मेरी मम्मी का, लेकिन अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों ऐसे बहुत ही लोग हैं, जैसे मेरा तबीयत मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ है, ठीक है, उसको टेस्ट कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं, टेस्ट हो रहा है, सब चीज़ ग्राफी हो गया, एक्सरा हो गया, सीटी स्कैन हो गया, खून जांच हो गया, और पेट में जैसा पानी भराया है ना वो भी सब चेक हो गया है, लेकिन इतना सारी दिनों से आए हैं पर उसका इलाज ही नहीं हो रहा है। दोस्तों 5 दिन रुकने के बाद हमें डॉक्टर ये बोल देते हैं हमारा तकलीफ परेशान ही नहीं हुआ है, और बोलते हैं तुम घर जा सकते हो। तो भैया हम यहाँ इलाज करने के लिए आए हैं जी, हम डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते साफ साफ भाई, वो बोलते हैं उसकी बातों को मानना पड़ता है, लेकिन हम वहाँ पास बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पास हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता देता हूँ, हर इंसान का अधिकार है कि भाई यहाँ ठीक कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में लोग ही आते हैं, तो उसका पूरा ही ठीक ही करा के जाना। दोस्तों यहाँ मेरे जैसे और 2-4 मरीज ऐसे हैं जो आधा आधा ठीक करा के जाए हुए हैं, 8 दिन 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं पर यहाँ ठीक नहीं होता है। दोस्तों क्या 15 दिन ठीक होने के बाद भी ऐसा लगता है लोगों यहाँ ठीक नहीं होगा, उसके बाद लोग बाहर प्राइवेट जगह में जाते हैं और कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। तो इन्हीं बड़े बड़े जो डॉक्टर लोग हैं ना, उन लोग सरकारी हॉस्पिटल को नीचे गिराकर और अपने प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं उसको मान्यता देते हैं, और खुद एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बहुत पैसा कमाने की बात करते हैं। दोस्तों मेरा मकसद इस मेडिकल कॉलेज की शिकायत करना नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ जो हो रहा है भ्रष्टाचार उसको लोगों को बताना, और जो अपने हमारे साथ बीत रहा है उसको लोगों के सामने शेयर करना, सुख को लोगों को बताना, यही है। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और पसंद आया तो आगे शेयर कर देना। क्या ऐसा घटना बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में भी होता है, अगर आप लोग भी जैसा हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना, ज़रूर इस बात को मुख्यमंत्री जी तक जाना चाहिए, ठीक है।